हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती। सासुमस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखे हैं, और यहाँ पर है हाफ कप ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर हाफ कप ओट्स। आपके पास अगर कॉर्नफ्लेक्स है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं ओट्स की जगह। और यहाँ पर एक अंडा लिया है हमने, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ छोटा चम्मच, एक टेबलस्पून लेमन जूस हाफ छोटा चम्मच, रेड चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार, और ये है इटालियन हर्ब्स। आप यहाँ पर इटालियन हर्ब्स की जगह कोई भी हर्ब्स ले सकते हैं, जैसे कि वेसल्स, रेड चिली फ्लेक्स और कई तरह का जो हर्ब्स होता है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है डीप फ्राई करने के लिए तेल। अभी हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन में हम डाल देंगे लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, और ये जो हर्ब्स लिया था वो भी डाल देंगे। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। अभी आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे 2 घंटा रख सकते हैं फ्रिज में ढक के, या फिर आधा घंटा। अगर नहीं है तो आप तुरंत फ्राई कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करूंगी। अभी हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। एक को हम फेंट लेंगे और ब्रेड क्रम्स और ओट्स को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। अभी हम चिकन का एक एक पीसेस लेंगे, ऐसे करके एक पर एक में डिप करेंगे। और कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स की मिक्सचर में डालेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। चिकन ड्राई हो गया। अभी हम और एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे चिकन को ऐसे डिप करके ड्राई करते रहेंगे। और अभी हमारा तेल भी गर्म हो गया। अभी हम एक एक करके तेल में छोड़ देंगे फ्राई करने के लिए। थोड़ा चला देंगे ताकि ये पलट जाए, दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए, फ्राई हो जाए ये, और एक दूसरे से ना चिपके। इस चिकन पॉपकॉर्न को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। Thank you.
हमें और थोड़ा फ्राई करना है। हमारा चिकन पॉपकॉर्न फ्राई होके तैयार हो गया, अभी हम इसे निकाल लेंगे। एक किचन टॉवल में निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए टॉवल में। और इस तरीके से हमने सारे पॉपकॉर्न को बना लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन पॉपकॉर्न बनके तैयार हो गया। आप इसे चाय के साथ या फिर मूवी नाइट में खा सकते हैं। आप इसे बनाइए, खाइए और इसका आनंद उठाइए।